गुरुवार देर शाम काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए दो धमाकों में 90 लोगों की मौत हो गई है और 140 लोग घायल हुए हैं। बीबीसी को ये जानकारी अफगानिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और साल 2011 के बाद अमेरिकी सैनिकों के लिए ये सबसे खतरनाक हमला साबित हुआ है। इस हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इस हमले के पीछे जो भी है उसे हम ढूंढ निकालेंगे और इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ना हम उन्हें भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। आतंकवादी अमेरिकियों को हमारा काम करने से रोक नहीं सकते। हम काबुल में अपना मिशन नहीं रोकेंगे और लोगों को सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकालने का काम जारी रहेगा। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा है कि एयरपोर्ट पर हुए हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने कहा है कि ये एक आत्मघाती हमला था। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के होने की संभावना व्यक्त की थी। नेटो के मुख्य सचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस घटना को भयानक आतंकी हमला बताया है और कहा है कि जितना संभव हो उतने लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिकी कमांडर कथित इस्लामिक स्टेट के और हमलों के लिए अलर्ट हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट और गाड़ियों में रखे बम से हमले की आशंका है। जनरल मैकेंजी ने कहा, सावधानी के साथ हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी तरह तैयार रहें। इस बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। 31 अगस्त से पहले तालिबान से हुए समझौते के मुताबिक अमेरिकी फौज को देश छोड़ देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस समय सीमा को बढ़ाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमलों के बावजूद अफगानिस्तान से निकलने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुवार को हुए हमले का बदला वो जरूर लेंगे। उन्होंने पेंटागन को आदेश दिया है कि ISISK पर हमले की योजना बनाई जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम हमले में तालिबान के कम 28 सदस्य मारे गए हैं। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा, काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अमेरिकियों से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए हैं। हालांकि इस हमले के बावजूद उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने काबुल में हुए धमाकों के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, जो सबूत हमारे सामने हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में गहरी जड़ें हैं, खासकर वे लोग जो काबुल में सक्रिय हैं।